हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज किचन से ही व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं आज बनाने जा रही हूँ पुट और ग्रीन चना का करी। मैंने आप लोगों से पूछा था ग्रीन चना कैसे बनाते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कैसे ब्लैक चना जैसे ही बनाना है। उसमें मैं थैंक यू बोल रही हूँ मेरी दो तीन सब्सक्राइबर्स को, सुमन, पता नहीं मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहे, सुमन डी ए बी बी, फिर अवंतिक जयसवाल, प्रेरणा, फिर इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ब्लैक चना कैसे बनाते हैं वैसे ही ये भी बनाना है। मैं आज वो ट्राई करने जा रही हूँ। मैं उसमें थोड़ा केरला टच भी देने वाली हूँ क्योंकि मैं कैसे ब्लैक चना बनाती है वैसे मैं ये भी ट्राई करने वाली हूँ। केरला में हर खाने में कोकोनट यूज़ करती है इसलिए इसी में भी यूज़ करते हैं। आप लोग ये ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है, एकदम डिफरेंट है क्योंकि मैंने देखा है नॉर्थ साइड में अलग तरीके से बनाते हैं, ये अलग केरल में अलग तरीके से बनाते हैं। चना, अभी मैं चना बनाने के पहले पुट्टू बनाने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लास्ट टाइम देखो मैंने आपको मेरे वीडियो में दिखाया था, मैंने शॉपिंग ग्रॉसरी शॉपिंग किया उसमें ये मल्टीग्रेन फ्लोर, हाँ मल्टीग्रेन पुट्टू फ्लोर, और देखो ये पूरा देखो इसमें पूरा बहुत सारा दाल है उसी से ये बनता है। मैंने सुबह बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, देखो ये थोड़ा, ये कुछ भी नहीं है, पुट्टू बहुत ईजी बनता है। ये पाउडर मैं थोड़ा पानी, सॉल्ट और पानी डालकर मिक्स कर लो, देखो ऐसा थोड़ा, देखो ऐसा स्टिकी वाला टेक्सचर आ जाएगा उतना ये, फिर ये स्टीम कर रहा है उतना ये। अभी ये दाल का है, थोड़ा हुआ थोड़ा बचा है, ये भी मैं बनाकर आपको दिखा दूंगी। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ ये वाला, ये ब्राउन राइस से बनाते हैं, देखो ये ऐसा दिखता है। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्ट और पानी ऐड करना है, तो मैंने इतना सॉल्ट ऐड कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हुए सुना है, साउथ इंडिया का खाना है दोसा, मेन खाना है दोसा और दोसा इडली और सांभर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है केरल का है ना दोसा और इडली, मुझे लगता है वो तमिलनाडु का है। उनका तमिलनाडु में जैसा दोसा का अलग अलग वैरायटी बनाते हैं और सांभर अलग अलग तरीके से बनाते हैं, वैसा मैंने केरल में नहीं देखा। हम लोग केरल में है ना, केरल का मेन खाना है ये पुट्ट और कड़ला करी, मतलब चना का करी, फिर है अप्पम और स्टू बोलते हैं, ये दोनों केरल का स्पेशल है। फिर नहीं तो केरला पराठा, वो सब है केरल का। पहले क्या ना, रेस्टोरेंट में गया तो, रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते, छोटा छोटा शॉप जैसा होते हैं, स्टॉल जैसा, उधर गया तो एकदम थोड़ा पान पतला वाला चाय और पुट कड़ला बनाना और वही कॉम्बिनेशन था, ऐसा वाला शॉप में वही खाने के लिए मिलता था, नहीं तो अप्पम मिलते थे, अप्पम और स्टू, नहीं तो अप्पम चिकन करी, वो सब था। और लेकिन आजकल सब कुछ है, डिफरेंट टाइप का दोसा वो सब मिलते हैं, लेकिन पहले क्या है केरल में, मुझे मालूम है मेरे शादी के पहले तक मैंने कभी भी पतला वाला दोसा, क्रिस्पी वाला दोसा ना नहीं खाया है। और हमारा केरल में मतलब मुझे बाकी जगह का नहीं मालूम है, मेरे घर में मेरी मम्मी ना हमेशा मोटा वाला बनाते हैं। और मैं ये स्टॉल बोला ना, उधर भी पहले गया तो ऐसा मोटा वाला दोसा मिलते थे, मुझे वो भी बहुत पसंद है। क्रिस्पी वाला दोसा मैं शादी के बाद खरे, फिर मैंने शादी होकर बैंगलोर गया तो उधर का दोसा है ना, मैंने उडुपी रेस्टोरेंट से एक बार इडली खा लिया, दोसा अच्छा था, वो इडली मेरा गले से नीचे नहीं उतर रहे थे क्योंकि वो हम लोग नॉर्मल दोसा इडली बनाते ना वैसा नहीं है, उसमें कुछ तो डिफरेंट है उसमें, इसलिए मुझे लगता है जब तमिलनाडु में जाते उधर का इडली या दोसा में बहुत टेस्टी है, बाकी साउथ इंडिया में किधर भी जाओ वो टेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर दोसा और इडली खाना है तो तमिलनाडु में ही जाना पड़ेगा। देखो अभी ये मैं मिक्स कर रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐसे मिक्स करना है, पहले देखो ऐसा पक लिया तो देखो
ऐसा आएगा, उसका मतलब है वो हो गया। अब ये 5-10 मिनट ऐसे कवर करके रख लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तब तक मैं चना कड़लकरी, हम लोग कड़लकरी बोलते हैं, कड़लकरी बना देते हैं। मैंने इधर चना ऑलरेडी बॉईल करके रखा है, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी डालकर ये बॉईल करके रखा है। मैं अभी इधर थोड़ा कोकोनट फ्राई कर रहा है। मैं ऐसे मुट्ठी में दो मुट्ठी कोकोनट यूज़ किया है, क्योंकि मैंने बहुत कम चना लिया है। इसमें ना पहले से ही थोड़ा फेनल सीड्स डालना था, लेकिन मैं भूल गई, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये दोनों फ्राई होने के बाद इसमें टर्मरिक और रेड चिल्ली कोरिएंडर पाउडर डालकर फिर से फ्राई करना है। एक चीज ध्यान रखना, गैस सिम में रखकर ही कोकोनट फ्राई करना है, नहीं तो कोकोनट जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये हल्का सा फ्राई हो गया, मैं इसमें अभी थोड़ा सा टर्मरिक डाल रही हूँ। ये मसाला सब मैं थोड़ा अंदाजे से डाल रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली इसमें थोड़ा तीखा है तो तभी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं सब कुछ थोड़ा कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को भी खाना है। इसलिए टर्मरिक मैं पहले ही डाल रही हूँ, क्योंकि टर्मरिक फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं टर्मरिक पहले डाल रही हूँ। अभी टर्मरिक फ्राई हो गया, टर्मरिक का कोकोनट का एक स्मेल आ रहा है, तभी पता चलेगा वो फ्राई हो गया। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिल्ली पाउडर, मैंने इधर 1 स्पून ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली इसमें ज़्यादा ऐड किया तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, लेकिन मैं बच्चों के लिए कम ही ऐड कर रही हूँ। फिर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। अभी ये फ्राई हो गया, मैं अभी ये ठंडा होने के बाद एक मिक्सर में डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना दूंगी। मैं इसका पेस्ट बनाने जा रही हूँ। मैं अभी क्या करूँगी, मैंने ये बॉईल करके रखा है ना, ये चना है, ये भी थोड़ा इसमें डाल रही हूँ। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा कोकोनट ऑयल डाल दिया है। इसमें ना कोकोनट ऑयल, नहीं तो सनफ्लावर ऑयल, नहीं तो राइस ब्रांड ऑयल, लेकिन मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना है। 2 ऑनियन मैंने लेंथ वाइज कट करके डाला है। ऑनियन अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, मैं अभी इसमें डाल दूंगी जिंजर गार्लिक और एक टोमेटो। टमाटर डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और ऐड कर रही हूँ एक कलर के लिए। अब टमाटर सब अच्छे से सॉफ्ट हो गया, मैं उसमें अभी ये पीस किया हुआ देखो कोकोनट का पेस्ट डाल रही हूँ। एक चीज़ मैंने भूल गया था, जब ये कोकोनट फ्राई करे तो उसमें करी लीव्स भी डालना था, लेकिन मैं भूल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी इसमें यह डालने जा रही हूँ। अभी ये एक बार मैंने मिक्स किया है, इसमें मैं अभी चना डाल रही हूँ। थोड़ा सा करी पत्ता अभी डाल देती हूँ। अभी इसमें सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। इसको मैं अभी कवर करके थोड़ी देर के लिए पका दूंगी। अभी कड़ला करी मतलब चना करी इधर बन रहा है। जब तक वो बन रहे, मैं इधर पुट्टू भी बनाने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ऐसा बर्तन में बनाते हैं। ये ऐसा नहीं है तो इडली का बर्तन है ना, उसमें भी बना सकते हैं। पहले क्या करना है, ये नीचे का है ना, इसमें पानी डालना है। पानी डालकर इसमें ना ऐसे देखो ऐसा है, वो अंदर ऐसे डालना है। मैंने इधर फ्रोजन कोकोनट ही यूज़ किया है, मेरे पास दूसरा नहीं है। अभी थोड़ा सा कोकोनट लेकर
पहले इसके अंदर ऐसे डालना है। मैंने देखो इसके अंदर कोकोनट डाल दिया, फिर उसके अंदर ये राइस फ्लोर डाल रही हूँ। देखो एक मिडिल तक डाल दिया, फिर से थोड़ा सा कोकोनट डाल रही हूँ, फिर से पाउडर डाल रही हूँ। देखो इधर तक आ गया, फिर से कोकोनट डालकर फिर ये पानी डालकर रखा है ना, इसके ऊपर ऐसे रखना है, फिर ये डालकर ये बंद करना है। इसके अंदर से स्टीम आना शुरू हो गया, फिर से एक पाँच मिनट रखो तब ये हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो क्या करना है, आप लोग इडली का ऐसा बर्तन है ना उसके मतलब वो नीचे वाले उसमें पानी डालना है, फिर इधर है ना थोड़ा सा कोकोनट डालना है, फिर उसके ऊपर राइस फ्लोर डालना है, फिर थोड़ा सा ऊपर कोकोनट डालना है। ऐसा कर कर भी आप लोग बना सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ दिखाती हूँ, मैंने अभी रिसेंटली शॉपिंग किया है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वो। हम लोगों ने एक दो तीन हफ्ते पहले विश करके एक ऐप है उधर से हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उस समय संतोष ने ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था पता नहीं सेफ है ऐसा है, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहे थे। लेकिन हम लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन आया तो है ना इतना हम लोग खुश हो गए, क्योंकि वो ऑनलाइन में कैसे वो लोगों ने पिक्चर दिखाया एक्सैक्टली वही वैसे ही सामान आया है। हम लोग बहुत खुश हो गया, कुछ भी कलर चेंज कुछ भी नहीं है, एक्सैक्टली वो पिक्चर में कैसा है वैसे ही आया है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बेटे के लिए क्या ख़रीदा है। देखो उसके लिए ये शू ख़रीदा, ये सेम एक्सैक्टली हम लोगों ने एडिडास या नाइकी शो में पता नहीं दोनों एक ही जगह पे शायद नाइकी में हम लोगों ने देखा है। उसका रेट था 160 या 170 पाउंड था, लेकिन ये है कुछ तो 19 पाउंड में शायद ये मिला है। उसका पैकिंग चार्ज सब मिलकर दोनों मिलकर ये इतना सस्ते में मिला है, लेकिन क्वालिटी तो उतना अच्छा नहीं होगा ऑब्वियसली। जब आया तो एक ही प्रॉब्लम हम लोग को लगा था, इसका स्मेल एक प्लास्टिक जैसा स्मेल रहता है ना वैसा स्मेल था। अभी ये खोल कर रखा तो उसका स्मेल चले गया, लेकिन एक दो दिन वो स्मेल रहा है इसमें, बाकी किसी को भी पता नहीं चलता ये डुप्लीकेट है वैसे कि वैसे है। हम लोगों ने नाइकी शोर में देखा है वैसे ही है। मुझे इतना ख़राब भी नहीं लग रहा है, जब पहनने के बाद ही पता चलेगा। और बहुत सस्ते में लड़के लोग के लिए क्या है, उनका इतना एक्सपेंसिव शू खरीदता है, और उनका सब ब्रांडेड शू सब 100 से ऊपर रहता है। अगर सेल में है तो उसमें थोड़ा कम, फिर भी 50 के ऊपर है सब कुछ। और पहन लिया एक दो महीने के अंदर वो ख़राब ही हो जाते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए नहीं तो ग्राउंड में पहनने के लिए, तो मिट्टी लगा कर पूरा ख़राब कर लेते हैं। इतना सस्ते में मिला तो अगर ख़राब हो गया तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टाइलिश भी है, देखो अच्छा लग रहा है, वो पहनने के बाद भी बहुत अच्छा स्टाइलिश लग रहा था। फिर लिया है एक और शूज के लिए लिया है। देखो ये प्लास्टिक में ही रहा है इसलिए वो स्मेल है, मैंने ये ओपन नहीं किया था। देखो ये भी सेम प्राइस है, फिर मेरे लिए लिया है ये, मुझे बहुत क्यूट लगा है इसका वो, ये देखो ये मिला है कुछ 16 पाउंड ऐसा कुछ है ये मिला है, मतलब उसका पैकेज चार्ज सब कुछ मिलकर 16 पाउंड है। ये शायद इंडिया में उससे भी सस्ता में मिलेगा, लेकिन मुझे वो डिज़ाइन अच्छा लगा वो। बाकी चुंगसी का दोनों शू मुझे बहुत सस्ते में लगा, ये तो एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते हैं लेकिन ठीक ठाक है, सस्ता भी नहीं है, सस्ता नहीं है क्योंकि इंडिया में फुटपाथ में सब उससे भी सस्ते में मिला गया है। ये मैं पहन कर आपको दिखाती हूँ।
ऑनलाइन हम लोगों ने इतना ही ऑर्डर किया है, 3 शू ऑर्डर किया है, फिर एक वॉच ऑर्डर किया था, वो अभी तक नहीं आया। और मुझे मेरा शू बहुत पसंद आ गया, और लेकिन मुझे लगता है मुझे एक साइज और बड़ा लेना चाहिए, ये चेंज मैं करूँगी, एक साइज और बड़ा लूँगी। फिर हम लोगों ने कल एसडा गया तो मैंने उधर से थोड़ा शॉपिंग किया, ज़्यादा नहीं, मैंने एक ड्यूएट कवर लिया था, वही है, पता नहीं मुझे ब्लैक इतना पसंद है, और ये सिंपल है, ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत पसंद आ गया। बहुत टाइम से मैं ये लेने का सोच रहे थे, लेकिन जब संतोष मुझे हमेशा मना करते हैं, इतना ज़्यादा बहुत सारा मेरे पास ब्लैक है बेडशीट, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे ब्लैक और ग्रे का देख लिया तो पसंद आ गया, मैंने लिया है। फिर उसके साथ मैंने लिया है एक 2 कुशन्स, देखो ऐसा, इसका प्राइस कितना है मैं भूल गई, इसमें भी नहीं लिखा है। अब इधर खड़ला करी देखो, ये हो रहा है, ये हो गया, अभी इसमें तड़का लाना है, और पुट्टू भी देखो इधर स्टीम हो रहा है, वो भी अभी रेडी हो रहा है। अभी देखो इधर चना करी ऑलमोस्ट हो गया, मैं उसके लिए तड़का लगाने जा रही हूँ। मैंने अभी इधर थोड़ा कोकोनट ऑयल डाल दिया, उसमें मैं डाल दूंगी मस्टर्ड सीड्स, रेड चिल्ली और करी ले। अभी मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बोल रहे, लंच बोल रहे, क्योंकि 1 बजे हो गया, वीडियो करते करते टाइम गया पता नहीं चला। देखो ये ना, ये भी एक बार आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत हेल्दी है, हम लोग चाय के साथ भी इवनिंग स्नैक्स जैसा भी खाते हैं। ये मूंग है, ये स्प्राउटेड मूंग है ना, उसमें वो बॉईल करके उसमें थोड़ा सा कोकोनट और नमक डालना है, उतना ही है, फिर हम लोग चाय के साथ खाते हैं ना, थोड़ा सा शुगर भी डाल देते हैं, बहुत हेल्दी है ये दोनों बहुत हेल्दी है, बिल्कुल ऑयल नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा ऑयल है, लेकिन एक बार ऐसा आप ट्राई करके देखना, बहुत डिफरेंट है, ये केरल का तरीका है, बहुत डिफरेंट है, बहुत टेस्टी है, एक बार आप लोग बनाए तो बनाते रहेंगे, बहुत टेस्टी है। और मैंने एक चीज़ इसमें भूल गया, जब तड़का लगाते हैं ना उसमें, उस समय कोकोनट चंक्स भी डालना था, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए भूला नहीं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। और मैंने इधर एकदम अदरक और इलायची वाला चाय भी बना दिया, इसके पुट के साथ दूध वाला चाय तो कंपल्सरी है, नहीं तो वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मैं ये खाने जा रही हूँ, बहुत भूख लग रहा है। आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक करना भूलना नहीं। फिर मेरी एक मलयाली व्यूअर है, उन्होंने पूछा था मैं एक सेंटेंस മലയാളം മേ ബോലോഗേ ടിമേ ഉൻകെ ലിയ ബോൾറേ എൻ്റെ എല്ലാ മലയാളി വ്യൂവേഴ്സിനോടും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല മലയാളി പ്രഷർ ഞാൻ ഹിന്ദി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന്. പക്ഷേ ഒത്തിരി എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഉള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ കുറച്ച് മലയാളികളുണ്ട്, ഭയങ്കര എത്ര ആരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ താങ്ക് യു പറയുകയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടിക്കെ മേ मेरा व्लॉग इधर फिनिश करने जा रही हूँ. अगर आप आज का व्लॉग में आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आ गया तो लाइक करना भूलना नहीं, नया कोई मेरा वीडियो देख रहे तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और कमेंट करना भूलना नहीं. मिलते हैं मेरा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय.